एक डेटा बनाते हैं छोटा सा, फिर इस पे हम काम करेंगे। आईडी, क्योंकि हमें लोड करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो चाहिए चाहिए, नेम, सिटी, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, नेम में मैंने ये डेटा हमारे पास हो गया। अब यूजर फॉर्म, हम यूजर फॉर्म बनाते हैं, फिर यूजर फॉर्म को डिजाइन करते हैं, डेवलपर में गए, ठीक है, विजुअल बेसिक पे, आईडी, आईडी छोटा है ना, छोटा रखते हैं। नेम, हाँ रंजी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिटी, क्वांटिटी, हाँ जी, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी और फिर यहाँ पे मैंने इसका डाल दिया अमाउंट। इसको अरेंज कर ले। तो अरेंज करने के लिए कल की क्लास में आपको क्या बताया था, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ और फॉर्मेट में जाएंगे, लाइन हमने लाइन सेंटर कर दी, सॉरी हम इसको लाइन हम इसको टॉप करते हैं या मिडल करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हम जो है चेकबॉक्स देते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम प्ले करें, प्ले करने के बाद जैसे यहाँ पे आईडी लिखे, आईडी लिखते ही इस पर्टिकुलर आईडी का पूरा डिटेल यहाँ पे शो। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं इवेंट इस पे चेंज पे।
इस पर डबल क्लिक करते हैं, चेंज ऊपर बाय डिफॉल्ट आ गया, अगर नहीं आता है तो हम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम एक लेते हैं डिम वी एज ए वेरिएंट, और यहाँ पे हम वी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, काउंट इफ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता इसलिए हम काउंट इफ लगाया। काउंट इफ में सबसे पहले मैंने दिया कि हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर आईडी जो है वो है कि नहीं, मतलब ए आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कोई गलत तो नहीं है। तो इसके लिए हमने सीट वन के जो कॉलम ए बाई ए कॉलम है उसमें देखना है। तो सीट वन डॉट रेंज ए बाई ए, मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू। भोपाल जी सुन पा रहे मुझे आप? कंडीशन देंगे कि एफ वी इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। पहले जी में सुन पा रहे हैं आप? देन यहां पे होगा एम इक्वल टू एप्लीकेशन। रूपाली जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक ओके, मैं आप समझा देता हूं आपको। अभी लुकअप नहीं होगा, इसमें मैच होगा, मैच में हमें ढूंढना किसको है, हमें ढूंढना है मी डॉट टेक्स बॉक्स वन को डॉट वैल्यू किसके अंदर। तो हमें ढूंढना है सीट वन डॉट रेंज ए बाई ए और कॉमा जीरो, और यहाँ पे एल्स में हमें लिखते हैं एग्जिट सब यहाँ पे। फिर हम कहते हैं यहाँ पे मी डॉट टेक्स बॉक्स वन नहीं टू होगा, टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सी वन डॉट सेल्स, या रेंज भी दे सकते हैं हम, रेंज ए बी बी हेलो हाँ बोलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार राइट कर देता हूँ फिर समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या है यहां पे, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए, वेरिएंट वेरिएबल दो ले लिए, हमने पहला चेक किया कि भी हमें पता करना है कि जो अगर हम इस पे जब प्ले करते हैं यहां पे, जब यहां पे हम डालते हैं, जैसे मान लो यहां पे मैं डाल दिया 12,
हाँ, इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसमें मुझे वैल लगाना पड़ेगा, वैल, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू टेक्स्ट में स्क्रीन में होती है ना, स्ट्रिंग में होती है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पे वन वैल्यू डालता हूँ तो पहले काउंटी जो है पहले चेक कर रहा है कि पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अगर ए काउंटी का है अवेलेबल है कि नहीं है, तो सीट रेंज ए बाई एन में चेक करता है, अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। अवेलेबल होता क्या होगा, वी पे एक पर्टिकुलर नंबर देगा, 0, 1, 2, जितना बार रिपीट होगा उतना बार, कम से वन तो देगा ही देगा। अगर रेंज ए बाई एम में अगर ए जो वैल्यू हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे चेक किया कि इफ वी इज ग्रेटर देन वन, अगर ये एक से बड़ा है या एक है तो क्या करे, मैच लगाए। मैच मतलब कि ये फाइंड करेगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो आपके यहाँ पे दिख रहा है वो पर्टिकुलर वैल्यू इसमें किस रो नंबर पे, जैसे हमने फाइव किया तो फाइव को यहाँ से काउंट में बताया कि फाइव जो है सिक्स नंबर रो पे है, तो जो सिक्स नंबर रो है ये सिक्स नंबर रो कहाँ पे स्टोर, एम पे स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू हो जाए बी के साथ, मैंने ए एम को कंबाइन कर दिया जो कि सिक्स है, तो बी सिक्स आ गया। देन हमने बोला कि सी के साथ एम को कंबाइन करें तो सी सिक्स आ जाएगा, इसे कंबाइन किया तो यहाँ पे डी सिक्स एंड ई सिक्स, तो सारे 3, 4, 5 पे स्टोर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर, फोर लिखते यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे और जब हम कैंसिल करते हैं, जैसे कि मान लो कि हम कुछ कैंसिल करते हैं या एरर आ रहा है तो डिलीट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि अनेबल टू मैच, तो मतलब कि ये आपका इस पे देखिए काउंट ऑन के आ रहा है। यहाँ पे इस एरर को रोकने के लिए हम करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑन स्क्रीन ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या करेगा कि काउंट करेगा कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इसमें है कि इसमें है कि नहीं है। उसके बाद चेक करने के बाद अगर उसको काउंट मिलता है तो यहाँ चेक करेगा, चेक करने के बाद यहाँ पे देखेगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे है। जो वैल्यू यहाँ पे शो होगा, जो मैंने उसकी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू उसके सामने वाले वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा, अगर नहीं मैच करती है, नहीं है, काउंट नहीं आता है तो यहाँ से एग्जिट कर देगा। तो जैसे प्ले करता हूँ, जैसे मैं वन लिखता हूँ वैल्यू आ गई, टू लिखता हूँ वैल्यू आ गई, थ्री लिखता हूँ वैल्यू आ गई, फोर लिखता हूँ वैल्यू आ गई, वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसमें चीज़ है कि मैं कुछ गलत लिखता हूँ तो वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही है, तो गलत होते ही वैल्यू ब्लैंक होनी चाहिए, एक यहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए कि गलत होते ही वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे तुमने एग्जिट शब्द दिया है ना, इसी को चेंज करना होगा, मतलब कि इसको ब्लैंक करना, इक्वल टू ब्लैंक, ताकि वैल्यू जो है वहां पे, जैसे हमने वैल्यू गलत वैल्यू लिखते थे वहां नीचे ब्लैंक आना चाहिए, 4 एंड 5, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद मैंने एक लिखा, यहाँ आ गया, लिखा आ गया, गलत लिखा तो ब्लैंक आ गया, लेकिन जब यहाँ पे हमने यहाँ से कुछ लिखते नहीं फिर यह वैल्यू ब्लैंक नहीं होती है, पर मतलब कि यहाँ पे कुछ टाइप रहेगा तभी वैल्यू आनी चाहिए जो कि इसमें मैच करता, नहीं तो ना आए। ऐसा इसके लिए हो रहा है कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, जब हम प्ले कर, जब हम इसको डिलीट कर देते हैं, मान हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जब डिलीट किया तो इसकी वैल्यू ब्लैंक हो गई, तो इसके अंदर में वो ब्लैंक को काउंट कर रहा है, ठीक है, ब्लैंक को काउंट कर रहा है। अभी ब्लैंक का काउंट करना मुश्किल है, यहां पे कोई ना कोई वैल्यू होनी ही चाहिए,
ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक जो है वो आपका ये जो बाकी जो ब्लैंक साइड है इसको काउंट कर देता है। तो इसको रोकने के लिए एक तरीका है, तरीका क्या है कि एक और यहाँ वेरिएबल कीजिए डिम टी आई डी, आई डी एज ए वेरियंट हमने डाल दिया, और यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू। फिर कंडीशन देते हैं कि इफ आई डी इक्वल टू ब्लैंक देन आई डी इक्वल टू जीरो, एल्स आई डी इक्वल टू वैल के अंदर में आई डी डाल दीजिए, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी ना। और फिर जहां जहां आपने टेक्स बॉक्स डाला है वहां पे जस्ट आई डी डाल दीजिए, आई डी और यहां पे आई डी, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, यहां पे मैंने थ्री लिख, ओके मैंने यहां एंड इफ खत्म नहीं किया ना, प्ले करते हैं। यहां पे मैंने थ्री लिखे, रिलीट किया, गायब हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, रूपाली जी आप बताइए। ओके आर्यन जी, आप फंक्शंस को पढ़िए ना, आप कोडिंग लिखा हुआ है इसको पढ़िए। हाँ रूपाली जी आप क्या बोल रहे थे? हाँ ओके ठीक, देखिए क्या है, हमें हमारे पास यूजर फॉर्म में, समझाता हूँ कुछ, यूजर फॉर्म है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी टाइप करें, तो टाइप करते ही इसके रिगार्डिंग जो वैल्यू इस डेटा में है वो आ जाए। जैसे कि हम वी लुकअप लगाते हैं ना, अगर हम एक्सेल पे बात करें तो एक्सेल में हम इसके लिए वी लुकअप लगाते हैं ना, क्या यहाँ पे वी लुकअप लगा देते हैं, तो ये सेम चीज यहाँ पे करना है, तो हम वहाँ वी लुकअप लगा सकते थे, लेकिन हम वी लुकअप ना लगा के हमने मैच लगा दिया। सेम काम करना है कि जैसे यहाँ पे आपने टू कर दिया, थ्री कर दिया, फोर कर दिया, जैसे यहाँ यहाँ पे आप वी लुकअप यूज करते हो, उसमें सेम फॉर्म पे लुकअप डेटा को लुकअप करना है एक आईडी के रेफरेंस में। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आईडी अपने आप चेंज होना चाहिए, तो अब हम सबसे पहले मुझे चूज करना है, एक मिनट इसको पूरा कर दो, हाँ सबसे पहले मुझे यहाँ पे चूज करना है कि आईडी इसमें डेटा कब फीड हो, मतलब कि मेरा कोडिंग कब परफॉर्म करे, तो मैंने चूज किया जब यहाँ पे टाइप करूँ, मतलब कि टाइप करना मतलब चेंज करना, तो मैंने डबल क्लिक करके यहाँ पे चेंज बाय डिफॉल्ट आ गया, नहीं तो आप यहाँ चेंज एक्शन सेलेक्ट कर लो। फिर मैंने तीन वेरिएबल डिफाइन किए आईडी, अब आईडी को मैंने वैल्यू पे स्टोर कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम टाइप करेंगे तो हम जब ये करेंगे, मान लो हमने शुरू किया टाइप किया, यहाँ पे हमने थ्री फोर लिया, ठीक है ना, अब मुझे थ्री फोर नहीं, मुझे टू थ्री लेने हैं, तो मैं डिलीट करूँगा ना, डिलीट कर दे ब्लैंक हो जाएगा। तो उस केस में मैंने बोला है कि जब आईडी ब्लैंक है तो उस पर जीरो स्टोर कर दो, ताकि आपका जो यहां पे एरर ना दे, दे एक एरर दे देगा, ठीक है एरर दे देगा, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं आईडी ब्लैंक नहीं कुछ है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, वैल लगा दिया, क्योंकि जब हम टेक्स्ट में लिखते हैं नंबर को तो नंबर में टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा होता है इस तरीके से, तो उसको हम वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जब मैच हमारा मैच करेगा तो मैच कर सकता है, क्योंकि यहां पे नंबर फॉर्मेट डेटा के अंदर हमारा नंबर फॉर्मेट में है, इसे ध्यान रखिएगा। अब फिर मैंने चेक किया कि जो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो मैंने इसमें है कि नहीं है, डेटा में है कि नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, यहाँ पे लिखा काउंट इफ का, बोला काउंट इफ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन है काउंट इफ जो ढूंढने के किसी पर्टिकुलर नंबर को ढूंढता है, अगर वो नंबर मिलता है तो अपना रिजल्ट देता है, नहीं मिलता है तो जीरो देता है, एरर नहीं देता है,
यहाँ पे हम डायरेक्ट मैच भी लगा सकते हैं, लेकिन मैच में क्या है कि अगर हम यहाँ पे मैच भी ढूंढ लगा सकते हैं, हम इसको इसके अंदर मैच कर सकते हैं कॉमा जीरो, लेकिन मैच हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब ए जो नंबर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे एन ए आएगा, जब एरर आएगा तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे एरर देगा। तो इसलिए मैंने पहले काउंट इफ लगा के चेक कर दिया, क्योंकि काउंट इफ में अगर नहीं है तो जीरो देगा, एरर नहीं देगा। तो फिर कंडीशन दिया कि इफ वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब कि अगर मिलेगा कम से कम एक नंबर स्टोर तो जरूर होगा, रिजल्ट काउंट इफ का एक जरूर आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे उमन किया, फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा होता है तो एम इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फंक्शन वन मैच का जो है ना मैच लगा दिया, जो हम यहाँ पे मैच लगा रखा है ना, हमने मैच लगा दिया। तो मैच लगाने से मुझे क्या रिटर्न आ गया, मुझे रिटर्न आ गया इसका रो नंबर, कि जो पर्टिकुलर 21 इसमें कहाँ पे 22 के अंदर है, 22 नंबर रो पे है, सिक्वेंस नंबर 22 है, मिल गया। उसके बाद उससे मुझे उसकी ए मिल गई, देखिए लोकेशन आईडी की रो नंबर मिल गया और कॉलर नंबर तो एबीसीडी है ही मेरे पास। फिर मैंने यहाँ पे लगाया कि मी डॉट टेक्स्ट बुक वैल्यू सीट वन बी के साथ मैंने कॉन्क्रेट कर दिया एम का, मैंने बी 22 सी 22 डी 22 सारे वैल्यू एक एक करके सारे इस बॉक्स में स्टोर कर दिया। और फिर बोला कि नहीं, अगर मान लीजिए कि जीरो आता है, कि वो काउंट इफ का रिजल्ट जीरो आता है, तो यहाँ पे मैंने सारे को ब्लैंक करो और सब कर दो, नीचे का नहीं चलाना है, आ गया ना। अब बात आती है अपडेशंस की, अब बात होती है अपडेशंस की कि अब मैं इसमें कोई चेंज करेंगे, ठीक है ना, चेंज करते हैं यहां पे अपडेट। अपडेट मैं बोलता हूं जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, मान लो क्वांटिटी हमने कुछ चेंज किया है, कुछ चेंज किया है, तो क्लिक करूं तो मेरा डेटा भी इसी तरह से अपडेट हो जाए, ठीक है। तो एक्शन कहां पर होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, अपडेट पर डबल क्लिक करते हैं। अब सेम मेथड मैं यहां पे फॉलो करूंगा, ये पूरा मेथड इसमें यहां पे भी फॉलो होगा, ठीक है। और बस फर्क इतना होगा कि ए उल्टा हो जाएगा, बस ए यहां आ जाएगा इक्वल और ए यहां आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी की जगह सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, और यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एंड, ठीक है। तो अब एक अपडेट करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर डाला 3, 4 डाला, 4 डालते ही हमने यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे क्या चौथे नंबर पे संदीप है, संदीप की जगह मैं यहाँ पे संदीप सिंह करना चाहता हूँ, या यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ मनीष करना चाहता हूँ, तो MANISH मनीष, और जैसे अपडेट पे क्लिक किया अब देखिए मनीष हो गया, ठीक है, मनीष हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट ऐसे ना रहे, जब मैं चारों में किसी में कोई चेंज करूँ तब जाके अपडेट अपने आप पॉपअप करके आए, समझ गया मैं करना क्या चाहता हूँ। पर ऐसे मैं अपडेट पे क्लिक कर दे, अपडेट कर रहा है, इसी को ओवरराइड कर रहा है बार बार, मतलब जब कोई चेंज हो तभी अपडेट पॉप विजुअल हो, बनना विजुअल ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इस पे आते हैं और इसका जो इसको पहले हम डिसेबल कर देते हैं, यहां पे अनेबल होगा, विजुअल ट्रू है ना, यह हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स होते ही क्या हो जाएगा कि बाहर यहां पे नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद हम यूजर फॉर्म पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, बोलते हैं यहां पे चेंज, मतलब ये टेक्स्ट बुक चेंज हो तो क्या करें, मी डॉट हाँ कमांड बटन वन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू,
बस एक ही इस आई लाइन की कोडिंग हमें बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्स पे करनी है। ठीक है, प्ले यहां पे रखते हैं, यहां पे ऐसे फोर लिखा। नहीं, यहां पे देखिए अपडेट आ जा रहा है ना अपने आप, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये इस गलत हो, मतलब कि मेथड सही है लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई वैल्यू अपीयर होती है तो भी चेंज ही कहलाता है, तो हमें इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। एक ही पे करके देखता हूँ, इस पे एक और एक और आता है जिसको हम बोलते हैं डबल क्लिक ड्रॉप बटन क्लिक एंटर एरर एग्जिट की प्रेस किया माउस मोड ऊपर से है। आफ्टर अपडेट ये सही रहेगा। यहाँ पे मैंने फोर लिखा, अभी नहीं आया ना इसमें का, क्योंकि अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे छः नंबर करते हैं, छः नंबर यहाँ पे करते हैं, नेहा की जगह इंदर, इंदर हाँ आया। तो हमें आफ्टर अपडेट करना है था। चेंज में तो भाई वैल्यू चेंज हुई, चाहे आपने खुद चेंज किया या फिर कोडिंग के जरिए चेंज हुआ, तो वो फॉर्मूला वो आपका कमांड वर्क कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे आफ्टर अपडेट करना है, मतलब कि जब मैं मैनुअल चेंज करूँ उसके बाद मेरा परफॉर्म करे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने याद, अब ये चीज सब पे मुझे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्स्ट थ्री आफ्टर अपडेट और पेस्ट कर देते हैं। अब बार बार ऊपर सेलेक्ट करना पड़ता है ना, आप इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट, अब यहाँ पे थ्री की जगह फोर कर दीजिए, पेस्ट, अफोर्ड की जगह फाइव कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आ रहा है कि अभी क्या है कि हम ऐसे ही चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि मुझे एक एडिट का बटन यहाँ पर बना, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तब यहाँ एडिटेबल मोड में, ऐसे अनएडिट मोड में हो, ठीक है ना। तो इसमें एक अनेबल होता है, यहाँ पे देखिएगा एक इसके अंदर अनेबल, तो मैं सबका अनेबल कर देता हूँ फॉल्स। ये डेटा सिक्योर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। विजुअल नहीं, अनेबल याद रखिएगा, विजुअल कीजिएगा तो ये दिखेगा ही नहीं। प्ले कीजिए, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हम चाहते हो कि चेंज जब मैं चाहूँ तब हो, ऐसे हमेशा चेंज, क्योंकि ऐसे हमारा डेटा गलत होने के चांसेज है। तो मैं यहां पे एक बटन बनाऊंगा एडिट का, इसी के बाद एडिट का मान लीजिए, एडिट मैं जब मैं इस पर क्लिक करूं तो बाकी सारे एडिट होने चाहिए। तो फिर मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहां पे बोलता हूं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। तो टू की जगह थ्री हो जाएगा, थ्री की जगह फोर एंड फोर की जगह फाइव। अब मैं प्ले करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा आप लोगों ने बता रहे हैं अनेबल ट्रू होगा ना, फॉल्स तो ऑलरेडी है ही। और जिसको आप चेंजिंग करवाना चाहते हैं उसी को रखें, बाकी उन्हें आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ को चेंज करना, बाकी चेंज नहीं हो सकता, तो उस भी आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया, आ गया चेंज मोड में आ गया,
और मैं यहाँ पे मान लो जीजीएन की जगह नोएडा करना चाहता हूँ, नोएडा। तुम्हारा अपडेट आ गया, अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ अपडेट हो गया, नोएडा आ गया विक्की का। अब इसमें आप अपने हिसाब से कंफर्मेशन जो कल मैं जो आपको मैं बताया था मैसेज बॉक्स की कंफर्मेशन वगैरह वो डाल सकते हो, या और भी कुछ चीज़ें चाहो तो इसमें डाल सकते हो। तो डिलीशंस के लिए डालना पड़ेगा ना आपको, अगर वो डिलीट करना चाहते हो तो। अब मान लो कि मैं कोई एंट्री को डिलीट करें तो हो गया अपडेट का, अब होता है डिलीट एंट्री। आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर एंट्री को आपको डिलीट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम डालते हैं डिलीट, ठीक है। अब डिलीट पे हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, तो हमें डिलीट कर पे ए चीज जो ऊपर दे रहा हो तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हमें डालना ही डालना। फिर हमें यहां पे करना है सीट वन डॉट रेंज, यहां पे हो जाएगा आपका ए के साथ कॉट कनेक्ट कर दिया एम डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, यहाँ पे एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ए डालता हूँ वन, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं फाइव को डिलीट करना है, फाइव क्या है पूजा का, डिलीट हो गया। लेकिन ये खाली नहीं हुआ, नहीं हुआ ना खाली, क्यों नहीं खाली हुआ, क्योंकि हमने अभी कोई इसकी ये चाह कब चेंज होगा, जब ये अपडेट होगा, हमने इसको अपडेट किया ही नहीं। तो आप चाहते हो डिलीट को अपडेट करना तो इसको ब्लैंक कर दो, जीरो कर दो या ब्लैंक कर दो। तो यहाँ यहाँ पे मैं कर कुछ ये मतलब मैं 10 से ज्यादा डिलीट नहीं कर सकता है, एक बार में कि पूरे ओपनिंग फाइल में। मतलब कि ए समझ गया, यूजर फॉर्म और जो ऐप, हाँ। तो उसके लिए आप एक काम करो ना, उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। एक मैंने यहाँ पे डिम सी एज ए मैंने यहाँ पे कर दिया लॉन्ग, ठीक है ना। और जितना बार मैं डिलीट करूँगा उतना बार क्या करूँगा, सी इक्वल टू सी प्लस वन। यहाँ पे आप कंडीशन दे देंगे कि इफ सी इज ग्रेटर देन 10 देन एम एस जी बॉक्स कैन नॉट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट सब और यहाँ पे एंड इफ, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, हाँ टू कर देते हैं यहाँ पे, सही गलत हो गई, हाँ यहाँ पे टू करना ना, हाँ टू। प्ले करते हैं, हम यहाँ पे मान लीजिए सिक्स डाले, सिक्स को डिलीट किया। फिर मैंने यहाँ पे फाइव डाला, फाइव तो ऑलरेडी डिलीटेड है हमारा, सिक्स डाला, सिक्स भी डिलीट है, सेवन डिलीट, और यहाँ पे फोर, डिलीट होती जा रहा है। ओ, ओ माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, ये मुझे सबसे ऊपर डालना है,
एक ग्लोबल वेरिएबल है ना ये। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि अभी क्या है कि अगर आपने देख रहे ग्लोबल वेरिएबल मतलब हुआ कि एक तो आपका माल हो ना, ये एक आपकी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर ही मूव कर सकता है, कंपनी के बाहर उसका कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि अमेरिकन अमेरिकन मिलिट्री है, उसका जो ए है उसकी जो पावर है सिर्फ अमेरिकन अमेरिकन कंट्री में चलता है, अमेरिकन से बाहर आएगा तो एक आम आम अमेरिकन नागरिक है। लेकिन एक यूएन का जो ए है आपको मिलिट्री है वो पूरे वर्ल्ड में उसका जो पावर अमेरिका में होगा वही इंडिया में होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब में काम करेगा, दूसरे सब में नहीं। इसलिए तो डुप्लीकेट हो रहा है कि यहाँ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एम अलग है और यहाँ का एम अलग है। अगर ऊपर हमने डाल दिया तो ग्लोबल हो गया, ए सी इसका अपनी एक आइडेंटिफिकेशन है जो कि पूरे के पूरे इसमें चलता है, सब में वर्क हो सकता है, और ये अपने पास अपनी वैल्यू को डिलीट नहीं करता, अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है ना, सी तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको एक बार इसको यूज करके देखते हैं। 22 डिलीट, 33 डिलीट, 44 डिलीट हो जाना है। हम एक बार इसको मैसेज बॉक्स के अंदर रिपेयर अपीयर करवा के देखना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। कॉल बटन दबिए ना, MSG बॉक्स टू सी। थर्टी थ्री, 31 डिलीट, 1 ठीक, काउंट 1 हो गया, 21 डिलीट, काउंट 2 देखा नंबर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 35 35 3। पर एक कंडीशन फॉलो क्यों नहीं किया, इफ सी इज सी इज ग्रेटर देन 2 इफ देन, हमने पहले ही चेक किया यहाँ पे कि अगर इफ सी इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करते हैं। वन टू आ गया, कैन नॉट डिलीट आया, आ गया इक्वल टू, हमने किया ठीक है और इसको डिलीट नहीं किया तो एक ग्लोबल वेरिएबल हमने स्टोर कर दिया। तो लेकिन ये हुआ कि एक बार फॉर्म क्लोज कर दिया ना, फिर वापस एक सीजी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं कभी भी मैंने को एट ए टाइम लॉग लाइफ टाइम तक कि 10,000 डिलीट ना करे, तो आप उसको एक पर्टिकुलर सेल पे उसको सी के जगह से एक सेल पे सेव करा लो। तो ठीक है सर, ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, इसमें आप लोग कुछ अपनी अपनी आईएनडी कीजिए, ठीक है ना, कल कल हम फिर वापस कर, हाँ कल एक्सेस होगा, ठीक है कर देता हूँ, ओके बाय।